ललितपुर में सपाइयों ने आज मौन धारण करते हुए ना सिर्फ पीड़िता को श्रद्धांजलि दी, साथ ही योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। ललितपुर जिले के घंटा घर पर आज समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष तिलक यादव के नेतृत्व में गांधी जयंती पर अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार की नीतियों के खिलाफ मौन व्रत रखकर धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि हाथरस में लड़की के साथ हुए दुराचार व उसकी मौत के मामले में योगी सरकार विपक्षियों के निशाने पर आ गई है, जिसमें विपक्षी नेता योगी सरकार पर जमकर हमला कर रहे हैं। इस मामले में भी विपक्षी नेता सरकार व पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोगों ने सुबह 10 बजे से और 12 बजे तक मौन सत्याग्रह किया है। हमारे सभी साथियों ने 2 घंटे मौन रहे थे। इस बेईमान और भ्रष्ट और निरंकुश सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने ये मौन का धारण किया है। आज पूरे प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं और बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार खुलेआम कानूनों का उल्लंघन करते हुए इन अपराधियों को बचाने का और उनको संरक्षण देने का काम कर रही है, उसके विरोध में साथ साथ जो किसानों के साथ जो छल किया गया है, जो किसान बिल और मजदूरों के बारे में जो बिल भारत सरकार लाई है, वो निश्चित रूप से किसानों के विरोध में है और किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला है। जैसे कि उन्होंने दावा किया था कि महिला सुरक्षित नहीं, कहाँ है सुरक्षित, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आजकल तो चौराहे की तो बात छोड़ो, घर पे भी सुरक्षित नहीं है। घर पे आज देखा आपने हाथरस का, ऐसे कई है, एक नहीं है। जब से ये सरकार आई है महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हो, चाहे वो महिला हो चाहे बेटी हो, अत्याचार चरम सीमा पे पहुंच गया है। मैं इस सरकार से कहना चाहती हूँ कि आप महिलाओं का बड़ा दावा कर रहे थे जब रात में आए थे कि मैं महिलाओं के ऊपर वो ये करूँगा, सुरक्षा का इंतजाम करूँगा। अब मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ गए आपके सुरक्षा के इंतजाम? आज ऐसी आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये खोखले वादे करे थे, वो कहाँ गए आपके? ललितपुर से शिब्बू राठौर के साथ अशोक सेन की रिपोर्ट।